हाँ जी दोस्तों, आपके खुजली होती है और खुजली बहुत पुरानी हो चुकी है, जैसे कि 1-2 महीने पुरानी हो चुकी है। तो आपको क्या करना होगा, आपने बहुत दवाइयाँ और बहुत ही इंजेक्शन वगैरह आपने लगा के या खा के देख लिए हैं, दवाइयाँ खा कर देख ली हैं, तो आपको आराम नहीं आ रहा है। तो आपको क्या करना होगा, बहुत ही आसान दवाई आपके आसपास ही मिल जाएगी, वो दवाई आपने करनी है। इस तरह का पाउडर बनाना है आपने, इस तरह का पाउडर बनाना। देखो, ये बहुत ही बढ़िया पाउडर है। एक चम्मच खाने के बाद ही आपको पता चले जाएगा कि आपने इसका रिजल्ट कितना बढ़िया होगा, कि एक चम्मच खाओगे तो आपको आराम मिल जाएगा काफ़ी तकरीबन। तो इसको कैसे बनाना है, आपने आपको बनाना है एक 20 20 ग्राम आपने गुदंती लेनी है, गुदंती भस्म लेनी है। तो ये इस तरह की होती है, जैसे कि वाइट पाउडर की फॉर्म में होती है। तो दूसरा लेना है आंवला पाउडर, आपने 100 ग्राम लेना है आंवला पाउडर, पिसा हुआ ले ले सकते हैं आप। तो अपने गंधक लेनी है, गंधक जो है, जो आप गंधक पटास वो होती है वो नहीं लेनी है आपने। गंधक खाने वाली अलग से आती है, उसको शुद्ध गंधक बोलते हैं। अपने शुद्ध शुद्ध गंधक 5 ग्राम लेनी है, सिर्फ 5 ग्राम लेनी है, क्योंकि कोई भी आज तक ये नहीं बताता गंधक कौन सी लेनी है। गंधक आपने लेनी है शुद्ध गंधक। मैंने ये जो फार्मूला है खुद अपने ऊपर इस्तेमाल किया है। मेरे इतनी ज़्यादा खुजली हो चुकी थी कि 6 महीने से मैं अपनी दवाई करवा रहा था स्किन के डॉक्टर से, पर उसका इलाज नहीं हो पा रहा था। थोड़ी देर बाद वो खुद दोबारा हो जाती थी। तो इसको मैंने अपने ऊपर इस्तेमाल किया तो मेरी खुजली काफ़ी ठीक हो चुकी है। जैसे कि इस पाउडर को आपने तीनों को पाउडर 20 ग्राम और 100 ग्राम और 5 ग्राम मिक्स कर लेना है। इसको पाउडर जो आप लोगे, ये 100 रुपये के अंदर अंदर आपको तीनों चीज़ें मिलाकर मिल जाएगी। और इसको जैसे कि गंधक होती है थोड़ी क्रिस्टल फॉर्म में होती है, जैसे कि दानेदार होती है, जैसे ये देखो आप देख सकते हैं इस तरह की दानेदार हो सकती है। तो इसको आपने पीस लेना है, क्योंकि मैंने गंधक जो है, देखो ये देखो पीले पीले अंदर आप देख सकते हैं ये थे, मैंने ऐसे अच्छी तरह ये मैं पीस नहीं पाया था। इसको अच्छे से पीस लेना है। और इसका टेस्ट बहुत ही खट्टा होता है, जैसे कि फटकड़ी होती है, इस तरह इसका टेस्ट होता है। और इसको बच्चे भी खा सकते हैं और बड़े भी खा सकते हैं। इसका एक चम्मच आपने सादे पानी के साथ लेना है। इसको 3 टाइम हम ले सकते हैं। जो बच्चे हैं उसको थोड़ी मात्रा में आप इतना इतना करके उसको उनको भी देते रहें, और उसको भी रिजल्ट आपको अच्छा मिल जाएगा। और कमेंट में आप ज़रूर बताना कि इसको इस्तेमाल कर कर किस किस को फ़र्क पड़ा है। और बहुत ज़्यादा महंगी नहीं है, आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इस्तेमाल कर कर आप ज़रूर मुझे कमेंट करें कि आपको इसका रिस्पॉन्स कैसा आया है। ये देखिए, मैंने खुद इस्तेमाल की थी और मैंने ये कम से कम इतनी बड़ी बड़ी हुई थी, और मैंने ये इसको 10-15 दिन लगातार खा चुका हूँ। 5 दिन 5-6 दिन ही हुए हैं तो मेरी खुजली बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। तो आपने मतलब इसको लगातार खा लेना है 10-20 दिन, कम से कम 10 दिन तो आपने इसको खाना ही है, क्योंकि दोबारा ना हो आपकी खुजली। तो सबसे आसान और सबसे सस्ता तरीका तो यही है। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह की वीडियो और भी आपके लिए मैं लाता रहूं। धन्यवाद।